हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी के नेक्स्ट मॉक टेस्ट की। इसमें हम लगभग आपको 14 टू 15 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको स्कोर बताना है आपका कितना रहा है। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन मीन्स सीरियल नंबर 23 की ओर। क्या है क्वेश्चन? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तदित, स्त्री प्रत्यय नहीं है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका तदित, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 24, रिक्शा शब्द कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या आपका जापानी? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, जापानी। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में योगरूट शब्द आपको बताना है। विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या आपका पंकज? तो इसमें योगरूट शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, पंकज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स, संस। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर जरूर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द है तत्वव, विदेशी, देशज, संकर? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की का या पुर्तगाली का? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अरबी का। नेक्स्ट है आपका 31, 32 क्वेश्चन क्या है? संकर शब्द का अर्थ तत्सम शब्द, तत्वव शब्द, विदेशी शब्द? डी ऑप्शन है आपका दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर को टिक लगा लिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 32 क्वेश्चन, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तत्वव, देशज या शंकर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76, 77 और 78। योगरूट शब्द आपको बताना है कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से भिखारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 79 और 80 प्रश्न आपको पढ़ना है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जल्दी से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश किया करो। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, चिट्ठी भेजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है आपका 81 और 82 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 81 में आपको बताना है कौन सा सही है? शब्दों का के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, यह सभी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है?
अपरोक्ष, अपदान, अपवाद या अपमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, अपरोक्ष। दोस्तों ये थे क्वेश्चन, लगभग हमने इस क्वेश्चन इस वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर जो है वो 13 प्लस ही रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।